हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आप सबकी क्वेरीज के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही है मेरे पास आपके एग्जाम्स को लेके। आपकी डेट शीट को रिलीज कर दिया गया है और आपके मतलब बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट रिलीज कर दी गई है और भी मतलब सेमेस्टर से इनकी डेट शीट फिफ्थ सेमेस्टर की, तो अब एग्जाम्स कैसे होने वाले हैं, क्या क्राइटेरिया है, ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन होंगे। तो चलिए इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इस क्वेरी के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो मैं आपसे बात करना चाहूंगा, सबसे पहले अगर आपने अपनी डेट शीट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप डेट शीट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है, मैंने तो पहले ही पोस्ट डाल दिया था जब ये वन वीक पहले ये अनाउंस कर दी गई थी डेट शीट, तो मैं वहां पे डाल दिया था कि खुश खबरी आ गई है। सो आपको पता लग गया होगा, नहीं पता लगा हो तो अगेन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। सो बात करते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम होंगे ऑनलाइन एग्जाम होंगे, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है अभी फिलहाल। लेकिन कुछ बच्चे कॉन्टैक्ट में हैं जो अभी मतलब सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सेकेंड ईयर मतलब इट मीन्स थर्ड सेमेस्टर के अंदर है, जो भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो उनके टीचर उन्हें ये बता रहे हैं कि ऑफलाइन होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। अब ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि काफी सारे एग्जाम्स अब ऑफलाइन होने लग गए हैं, स्कूल्स वगैरह खुल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम्स भी सिर्फ ऑफलाइन हो जाए। एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। अगर आपके एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे तो आपको ऑल्टरनेट डेज में बुलाया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा करंट सिचुएशन पे और ड्यू के जो भी स्टाफ मेंबर है, जो वीसी जोशी है, उनका सजेशन जो भी होगा ना वो ही डिपेंड करेगा। मैं आपको कन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि गौरव भैया ने बोल दिया था तो अब तो एग्जाम ऑफलाइन होने वाले हैं तो पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। भैया पढ़ना तो आपको वैसे भी शुरू करना पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। सो अभी फिलहाल ये चल रहा है कि हो सकता है इस बार ऑफलाइन लिए जाए एग्जाम, क्योंकि यार फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन, देन आपका ईवी मोड, फिर फर्स्ट ईयर तो पूरा ऐसे ही चला गया घर पे बिठा के, तो सोच रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर मतलब इट मीन सेकेंड ईयर से थर्ड सेमेस्टर से एक प्रॉपर कॉलेज शेड्यूल शुरू किया जाए, एक एग्जाम हो ताकि बच्चों के माइंड में प्रेशर हो, एक एनवायरमेंट क्रिएट किया जाए एग्जामिनेशन का। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम्स ऑफलाइन कंडक्ट हों, तो रेडी रहना। अब जैसे भी अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा, अगर वो ऑनलाइन से रिलेटेड आएगी तो आपको ऑनलाइन के बारे में बता दूंगा, अगर वो ऑफलाइन से रिलेटेड आएगी तो ऑफलाइन के बारे में बता दूंगा। ऑफलाइन आपके कॉलेज में एग्जाम होंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, मैं आपको क्लियरली बोला हूँ। कॉलेज के जो एग्जाम्स होते हैं ना वहाँ पे कहीं भी सेंटर नहीं पड़ता है, आपके अपने कॉलेज में ही एग्जाम होते हैं रेगुलर के, ये मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। सो टेंशन मत लेना कि इधर सेंटर पड़ेगा उधर पड़ेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने कॉलेज में सेंटर पड़ेगा। और मॉर्निंग वाले शिफ्ट का मॉर्निंग में एग्जाम होता है और इवनिंग वाले शिफ्ट का इवनिंग में एग्जाम होता है, शायद मॉर्निंग वाले शिफ्ट का 9:30 से शुरू होता है, मुझे काफ़ी टाइम हो गया एग्जाम दिए हुए, मुझे इतने आनी है, लेकिन 9:30 के आसपास शुरू हो जाता है एग्जाम मॉर्निंग में, और इवनिंग में होता है 2:30 के आसपास, 2:30 to 5:30 इसके आसपास एग्जाम इवनिंग वाली शिफ्ट का होता है। सो इस तरीके से आपके एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं अगर ऑफलाइन मोड में होंगे। एडमिट कार्ड प्रॉपर आएगा, आपके प्रॉपर सीट अरेंजमेंट होगा, वहाँ पे आपके इन्विजिलेटर होंगे, प्रॉपर आपको वहाँ पे सीट मिलेगी, सब कुछ मतलब प्रॉपर जो एग्जाम होते हैं वो होगा ऑफलाइन। सो हो सकता है आपके पास कॉलेज जाने का भी मौका मिल जाए, एक बार देख भी लो, कॉलेज के दर्शन भी कर लो। तो देखो क्या होता है, जैसी भी कोई अपडेट आएगी ड्यू की वेबसाइट पे जैसी आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इसलिए मैं आपको कहता हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखा करो ताकि जल्दी से आपके अपडेट मिल जाए, क्योंकि मैंने ये वहाँ पे भी पोस्ट डाल दी थी। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करें, फॉलो नहीं करते शायद इसलिए नहीं पता, तो फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे, कैसे प्लेसमेंट लेना है फाइनल ईयर के अंदर, कौन कौन सी कंपनी कितना पैकेज दे देती है आपको, कौन से कॉलेज के अंदर कौन कौन सी कंपनी आती है, और कॉलेज के साथ साथ कैसे कोई कंपनी हायर करके बच्चों को पढ़ाई भी कराती है और इंटर्नशिप के अंदर कुछ पैसे भी देती है, तो सब कुछ आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कौन कौन सी पोस्ट होती है, बीकॉम के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, बीए के लिए, हिस्ट्री के लिए, सबके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइस इसलिए मैं आपसे कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाली वीडियोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो अभी जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो कोई भी मिस ना हो आपसे। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए अपडेट्स के साथ, कुछ नई अच्छी वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत।